नेक्स्ट जो चैप्टर अपना प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना मेटल एंड नॉन मेटल का ये पार्ट है कि इसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कंप्लीट प्रोसेस उसका होगा। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली चीज है मिनरल, मिनरल क्या चीज होती है, मिनरल द सब्सटेंस इन विच मैटर, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट विच कंटेन मेटल, विच कंटेन मेटल आर कोल्ड मिनरल्स। ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है और इसके अंदर मेटल होगी, उसको हम मिनरल बोलते हैं। सेकेंड, ये छोटी छोटी डेफिनेशन हैं और देखें, द मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली आर कोल्ड ओर, जिससे आप फायदेमंद तरीके से यदि मेटल निकाल सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओर। तो मिनरल क्या हुआ, मिनरल जिसके अंदर भी मेटल है, और ओर जिस मिनरल से आप मेटल इकोनॉमिक तरीके से निकाल सकते हैं उसको बोलते हैं ओर। तो क्या होगा, लिखें नेक्स्ट पॉइंट, लिखें नेक्स्ट, ईच ओर इज मिनरल बट ईच मिनरल इज नॉट ओर। हर ओर जो है वो आपका मिनरल है, ठीक है, लेकिन हर मिनरल ओर हो ये जरूरी नहीं है, सिर्फ वही मिनरल ओर कहलाएगा जो जिसे मेटल इकोनॉमिक तरीके से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि किस ओर के अंदर कौन सा आपका मेटल प्रेजेंट होता है, कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन सम इंपॉर्टेंट ओर्स विद फॉर्मूला, ठीक, इधर मैं लिख रहा हूँ मेटल, यहाँ लिख रहा हूँ ओर्स का नेम, और यहाँ पे लिख रहे हैं उसका फॉर्मूला, कंपोजिशन जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला। अब देखेंगे मेटल, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आयरन की। आयरन आपको बहुत सारे तरीके से निकाला जाता है, जैसे एक एक और होता है उसका हेमेटाइट, हेमेटाइट। दूसरा और के बारे में बात करें, एक होता है इसका मैग्नेटाइट, सीडेराइट एंड आयरन पाइराइट, एंड आयरन पाइराइट। ठीक है, हेमेटाइट, हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। ये डायरेक्ट पूछ लेता है हेमेटाइट के अंदर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Fe का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तुम क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है आपका Fe3O4। यहाँ से आपको आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ ले, आप एक तो लिखोगे 8/3, क्या लिख दोगे 8/3। एक्चुअल में Fe3O4 क्या होता है, FeO प्लस Fe2O3 का कंपोज मिक्सर होता है, FeO प्लस Fe2O3। FeO के अंदर कितना होता है +2, और इसके अंदर कितना होता है +3। तो कितना है, आप देखोगे इसके अंदर +3 भी होता है और +2 भी होता है। तीन आयरन के एटम है, तीन आयरन के एटम में से थ्री एटम में से टू एटम किस में रहेंगे आपके, +3 में रहेंगे, और वन एटम किस में रहेगा, +2 में। मतलब बोला जाए 66% आपका +3 का है और आपका 33.33% किस में है, +2 में, 66.66%। तो ये है, ये आपका मैग्नेटाइट है। डायरेक्ट देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, हेमेटाइट का फॉर्मूला पूछ सकता है, हेमेटाइट के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला, मैग्नेटाइट के अंदर ये है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या निकाल लिया आपने, एवरेज। इंडिविजुअल पूछ ले तो ये कंपोजिशन होता है क्या, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है FeO और एक मॉलिक्यूल होता है Fe2O3 का। ठीक है, Fe2O3 इसका मतलब क्या हुआ, दो आयरन है, ठीक है, जो +3 में है, और FeO इसमें एक ही आयरन है वो +2 में। तो Fe3O4 में टोटल कितने आयरन है, तीन आयरन है, जिसमें से दो आयरन +3 के होंगे और एक आयरन +2 का होगा। सीडेराइट, डायरेक्ट पूछेगा सीडेराइट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सीडेराइट, ठीक है, ये आप बोलोगे FeCO3। सीडेराइट का फॉर्मूला FeCO3 एंड आयरन पाइराइट दैट इज कॉल्ड FeS2। देखिए ऑक्साइड को जो ओर्स होते हैं उसको बहुत सारे टाइप से डिवाइड करते हैं। एक ओर्स ये होते हैं, हम बोलते हैं कि कौन सा ओर है, कार्बोनेट ओर है, सल्फाइड है, हेलाइड है, ऑक्साइड है। आप देखोगे दोनों कैसे हैं, ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है के साथ है, ये इसको क्या बोलोगे कार्बोनेट है, और इसको क्या बोलोगे, ये आपका सल्फाइड है। FeS2 का आपको स्ट्रक्चर बता दूं, वैसे ये स्टेट ऑफ मैटर के अंदर, ये आपका रेडॉक्स के अंदर आता है, ऑक्सीडेशन नंबर जहां निकालते हैं ये है। यहाँ पे आयरन +2 में है, सल्फर का -1 है, सल्फर का -1 है, क्योंकि सल्फर सल्फर वाले बॉन्ड का तो ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करते हो, काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सेम मेटल है, सेम एटम है, सेम एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी वजह से ना एक पॉजिटिव आएगा इस पे, ना नेगेटिव, कोई चार्ज इस पे क्रिएट नहीं होगा। हाँ, इस बॉन्ड की वजह से, इस बॉन्ड की वजह से आयरन पे +1 तो इस पे -1, इस बॉन्ड की वजह से इस पे -1 इस पे +1 तो इस पे टोटल +2 हो गया, इस पे -1 -1, इस बॉन्ड की वजह से किसी एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा, ये आपका आयरन पाइराइट। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते थे,
समझ गए होंगे। तो आयरन के ओर्स और आयरन के ओर्स का फॉर्मूला एंड ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा जो हम बात करते हैं जिंक, किसकी बात करेंगे, जिंक की, ठीक है। जिंक के क्या क्या और होंगे, जिंक मतलब ZN, ठीक है। जिंक, जिंक के अंदर एक होता है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड जिसको हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड, और इसका दूसरा नाम स्फेलेराइट भी है, स्फेलेराइट, दैट इज कॉल्ड ZNS। ZNS कितना ऑक्सीडेशन नंबर में है भाई, प्लस टू के अंदर है, ठीक है। दूसरा है कालामाइंस, CALAMINE, कालामाइंस, दैट इज कॉल्ड ZnSO3। कालामाइंस क्या है, कार्बोनेटेड ओर है, ये सल्फाइड है। और एक होता जिंकाइट, जिंकाइट, जिंकाइट मींस ऑक्साइड ओर, ZnO। तो जिंक के हमने कितने और पढ़े, तीन, एक सल्फाइड, एक कार्बोनेटेड, एक ऑक्साइड, सभी के अंदर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, प्लस टू रहेगा, ठीक है। ये था तो दो इंपॉर्टेंट मेटल्स और उसके ओर कि हम कैसे निकालेंगे, बाद में हम ये और अपने काम आएंगे और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं और ही देख रहे हैं, नेक्स्ट अपना कॉपर मेटल, कौन सी मेटल, कॉपर, ठीक। कॉपर के बारे में पढ़ते हैं, कॉपर के कौन कौन से होंगे, एक होता है कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट फॉर्मूला होता है इसका CuFeS2। कॉपर भी होता है और इसमें आयरन भी होता है। एक होता है मैलाकाइट, मैलाकाइट दैट इज CuCO3.CuOH2। कैसा हो रहा है, कार्बोनेट और भी है और हाइड्रोक्साइड भी, दोनों है इसके अंदर। फॉर्मूला अच्छे से याद करेंगे, एक है क्यूपराइट, जैसे जिंक जिंकाइट था, कॉपर का क्या हो जाएगा, क्यूपराइट दैट इज CU2O, ठीक है। एक होगा कॉपर ग्लांस, ठीक है, एक होगा कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला, कॉपर ग्लांस किसको बोलते हैं, कॉपर ग्लांस इज CU2S, ठीक है। ये है आयरन का हो गया है, आपका जिंक का हो गया है, कॉपर का हो गया है, एल्यूमिनियम की हम बात करें, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट और होता है वो होता है बॉक्साइट, क्या होगा, बॉक्साइट, इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं Al2O3। एक्चुअल में इसका Al2O3.XH2O लिखते हैं, कितना वाटर लगा हुआ अपने को पता नहीं है और इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ये इसका वैसे एग्जैक्ट जो फॉर्मूला होता है वो इसका होता है OLX, ठीक है, OH3 minus 2X, जहां पे जो X की वैल्यू है वो 1 और 0 के बीच में रहती है, जो ऐसे एक्सपेरिमेंटल फाइंड आउट किया, लेकिन हम इससे काम करते हैं, सारा जो काम होगा अपना इससे होगा, ठीक है। एक इसी का जो आगे हम पढ़ेंगे क्रायोलाइट होता है, क्रायोलाइट इज Na3AlF6, क्रायोलाइट। एक काइलोनाइट भी होता है, काइलोनाइट, इसका भी फॉर्मूला ये क्या होता है, इसके अंदर सैंड पार्टिकल होता है, फॉर्म ऑफ क्ले, इसको हम बोलते हैं कि मिट्टी का एक ये फॉर्म है, OH एल्यूमिनियम 2OH4Si2O5, Si2O5 बहुत ही रेयर चांसेस में यूज होता है। सबसे ज्यादा काम का कौन सा है, बॉक्साइट है, सबसे ज्यादा काम का कौन सा है, बॉक्साइट। ये आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंट टाइप के ओर होंगे, किस मेटल से कौन सा निकाला जाता है, कुछ और बीच में आते रहेंगे, हम उनको यूज करते रहेंगे। तो सबसे पहली बात, आपने मिनरल पढ़ा, ओर पढ़ा, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट ओर है, किस मेटल के हैं, ये होगा। जब हम मेटल की स्पेसिफिक उसकी मेटलर्जी की बात करेंगे तब ये अपने उसमें काम आएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होगा। तो लिखें डिफरेंट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, डिफरेंट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे करते हैं। सबसे जो पहला स्टेप वन कर्सिंग ऑफ द ओर, ठीक है, पाउडर बनाना, मतलब पाउडर फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। स्टेप टू, जो कर्स्ड ओर है उसको क्या करते हैं, दूसरा होता है उसका कंसेंट्रेशन और ड्रेसिंग, ठीक। और स्टेप थ्री, जो कंसेंट्रेटेड ओर है उसको क्या करते हैं, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, ऑक्साइड में इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक। स्टेप फोर, कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल, मेटल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड स्टेप फाइव, रिफाइनिंग ऑफ द एक्सट्रैक्टेड मेटल,
रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल को आपने रिफाइन कर दिया। ये टोटल पांच स्टेप आप करोगी और आपका मेटल मिल जाएगा। ओर से स्टार्ट किया और आपने मेटल निकाल लिया, ठीक है। इनको हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट द कंप्लीट प्रोसेस स्टेप वन टू स्टेप फाइव, कंप्लीट प्रोसेस स्टेप वन टू स्टेप फाइव इज कॉल्ड मेटलर्जी, इज कॉल्ड मेटलर्जी। उसको हम मेटलर्जी बोलते हैं कि ओर से मेटल निकालने का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मेटलर्जी, ठीक है। वन बाई वन इसको हम करते हैं। स्टेप वन को मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, स्टेप वन समझते हो क्या करना है। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसी भी तरीके से आपका जो ओर आएगा उसको जितना आप पाउडर फॉर्म में बदल सकते हैं उसको बदल दीजिए, ठीक है। स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर एंड स्टेप फाइव इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। स्टेप टू से मैं शुरू कर रहा हूँ, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, किस तरीके से कंसेंट्रेशन करेंगे इसके, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। तो लिखें ओर पार्टिकल, ओर पार्टिकल फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर पॉइंट बनाते रहें, फर्स्ट पॉइंट, ओर पार्टिकल कंटेन सम इम्प्योरिटी विद मेटल, कंटेन सम इम्प्योरिटी विद मेटल एंड दीज इम्प्योरिटी आर कोल्ड गैंग, आर कोल्ड गैंग ओर मैट्रिक्स, ओर मैट्रिक्स। Some impurity are present with metal that are called gang or matrix. These gang particles are removed in concentration step. These gang particles are removed in the concentration step. Concentration step में कुछ नहीं करना, और के साथ जो impurity लगी है आपको उसको बाहर निकाल देना, उसी को हम बोल रहे हैं क्या, concentration of ore. ये था आपका, ठीक। Second, इसी के अंदर क्या करते हैं, ठीक। The method of concentration, the method of concentration are depend on difference in physical property, difference in physical property, difference in physical property of gang particle, of gang particle and gang particle and metal. जो difference in physical property है हम उसको use करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहला हम डेंसिटी को यूज कर रहे हैं कि गैंग पार्टिकल की डेंसिटी और मेटल की डेंसिटी आपके अलग अलग हो। इससे क्या होगा, जैसे कि मान लिया आपका जो गैंग पार्टिकल है वो हल्के हैं, लाइटर हैं, और मेटल जो है उसके अंदर वो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या करो, उसको वाटर में डाल दो, लाइटर पार्टिकल होगा वो ऊपर आ जाएगा, मेटल नीचे बैठ जाएगा, तो ऊपर वाले इंप्योरिटी को हटा के हम बाहर फेंक देंगे और मेटल को यूज कर लेंगे, उसका आगे का जो प्रोसेस है वो यूज कर लेंगे। डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैंग पार्टिकल एंड मेटल, या फिर मेटल की बजाय भी हम बात कर लें ओर, क्या पता जरूरी नहीं है मेटल इसके अंदर मिले, वो डायरेक्ट मिल जाए आपको, हो सकता है और भी प्रोसेस आपको करने पड़े, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट, देर आर फोर डिफरेंट मेथड ऑफ कंसेंट्रेशन। फर्स्ट हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसको लेविगेशन भी बोलते हैं वो, लेकिन कोई ज्यादा जरूरी यूज नहीं होता, लेविगेशन बोलते हैं इसको। हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होता है, वाटर के अंदर उसको धो देते हैं, किसको, जो आपका ओर है, पाउडर्ड ओर है, तो उसमें इम्प्योरिटी की डेंसिटी और मेटल की डेंसिटी, जो मेटल कंटेनिंग पार्ट है उसकी डेंसिटी अलग अलग होती है, तो यहाँ पे ये काम आता है, ठीक है। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्या करना है आपको, फ्रॉथ झाग बनाना है और उससे आप उसको अलग करोगे। सी फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, थर्ड मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण, मतलब चुंबक से अलग अलग करोगे, मैग्नेट से आप अलग अलग करोगे, एंड डी इज द लीचिंग। ये चार मेथड है, ये आपका किस प्रोसेस पे डिपेंड होता है। हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होता है, ये डिफरेंस इन डेंसिटी रहेगा। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या रहेगा, हम उसको जो आपका मिक्सर है, जो ओर है जिसके अंदर इम्प्योरिटी भी है और मेटल कंटेनिंग पार्ट भी है, उसको हम क्या करते हैं, ऑयल के अंदर डिजोल्व करते हैं। वाटर है, वाटर के अंदर ऑयल डाला हुआ है, तो उसमें क्या होता है, इम्प्योरिटी वाला जो पार्ट होता है वो ऑयल सोल्यूबल होता है, और जो मेटल वाला पार्ट होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, तो अलग अलग तरीके से इस तरीके से निकाला जाता है। मैग्नेटिक सेपरेशन, जिसके अंदर इम्प्योरिटी ऐसा हो कि जो इम्प्योरिटी है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करती हो और आपका मेटल पार्ट मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता हो, या मेटल कंटेनिंग पार्ट
मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है और इम्प्योरिटी मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं कर रही, उससे भी अलग कर सकते हैं। और लीचिंग, लीचिंग होता है डिफरेंस इन सोल्युबिलिटी, किसी एक सोलवेंट में डाल देते हैं इम्प्योरिटी, यदि डिजोल्व इम्प्योरिटी क्या होता है डिजोल्व हो जाए और आपका मेटल बच जाएगा, तो आप क्या करो डिजोल्व वाले पार्ट को फेंक दो, मेटल वाला पार्ट यूज कर लो। या ऐसा हो सकता है कि आपका मेटल डिजोल्व हो जाए और इम्प्योरिटी डिजोल्व ना हो, ठीक है, तो आपने डाला उसके अंदर मेटल डिजोल्व होगी और इम्प्योरिटी नीचे अलग से रहेगी, तो क्या करो फिल्टर लगाओ, फिल्टर से ऊपर जो नीचे जाएगा आपका सोल्यूशन पार्ट, ठीक है, वो आपका मेटल कंटेंट के उसको आप संभाल के रखो, जो इम्प्योरिटी है फिल्टर में आ जाएगा आपको उसको बाहर निकाल दो। तो ये चार है, और चारों का जो मेजर पार्ट है किस पे डिपेंड रहता है, डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी, एक एक करके हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है कंसंट्रेशन के अंदर हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक, हाइड्रोलिक वॉशिंग कंसंट्रेशन के मेथड है, उसी के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग। फर्स्ट पॉइंट, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द ग्रेविटी ऑफ द ओर, ग्रेविटी ऑफ द ओर एंड गैंग पार्टिकल। ग्रेविटी मीन्स डेंसिटी, ग्रेविटी मीन्स डेंसिटी, ठीक है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द ग्रेविटी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल। डेंसिटी जो है उनकी अलग अलग है, इस पे यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग इज डिपेंड ऑन, किस प्रोसेस पे आपका डिपेंड कर रहा है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं इसके अंदर, देखिए इसलिए इस मेथड का जो नाम है वो ग्रेविटी सेपरेशन भी होता है, लिखें लिखें, दिस मेथड इज ए टाइप ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन मतलब जिसमें डेंसिटी के बेस पे आपको अलग अलग किया गया है। थर्ड करते क्या है, इन दिस प्रोसेस पाउडर्ड ओर कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ रनिंग वाटर सो लाइटर गैंग पार्टिकल कम आउट ऑन द सरफेस सो दे कैन बी रिमूव्ड। आपके पास क्या करोगे, आपका रनिंग वाटर है, मान लिया यहां से आपका वाटर निकल रहा है, ठीक है, आपने क्या किया है इसके अंदर जो आपका पाउडर्ड ओर था, ठीक है, ये मान लिया कि ये पाउडर्ड ओर है और ये वाटर फ्लो कर रहा है इस तरीके से, तो क्या करेगा लाइटर जो गैंग पार्टिकल होंगे गैंग पार्टिकल को साथ ले जाएगा, और जो हैवियर पार्टिकल होंगे वो जो ओर होगा जिसके अंदर मेटल है वो यहाँ बच जाएगा, और आपका मिट्टी वगैरह जो भी उसके गैंग पार्टिकल वो बाहर निकल जाएगा, गैंग पार्टिकल, ठीक है। अब देखिए जो लाइटर होगा वो ऊपर आएगा, जैसे कि आप ये तो सिंपल घर में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, कोई मिक्सर हो उसको आप वाटर में डाल दो, ठीक है, वाटर में डाल दोगे तो क्या होगा, कुछ हल्की चीज होगी वो ऊपर आ जाएगी और जो हैवियर चीज होगी वो नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो डेंसिटी सेपरेशन इसी को बोलते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग और डेंसिटी सेपरेशन, ठीक। नेक्स्ट डी, ये किस पे लगाया जाता है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर ऑक्साइड और कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, उनके लिए जनरली ये मेथड आपका लगाया जाता है, जैसे कि हेमेटाइट के लिए लगाएंगे और भी कई मेथड होंगे वहां लगाएंगे, एक एक करके हम पढ़ेंगे। ये आपका प्रिंसिपल इसका समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड पे है। सेकेंड बी क्वेश्चन वैसे कहीं से भी आ सकता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी के अंदर सेकेंड था, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड क्या होगा, देखें फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर सल्फाइड ओर। अच्छे से याद कर ले भाई, क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछता है, किसके लिए लगाओगे, सल्फाइड ओर, मतलब जैसे आपको बताऊं ZnS के लिए लगा सकते हो, PbS के लिए लगा सकते हो, FeS2 में लगा सकते हो,
CuFeS2 में लगा सकते हो, जहां भी आपका सल्फाइड आएगा वहां पे ये मेथड लगेगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ द सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर के लिए आप कौन सा मेथड लगाते हो, ये आपसे पूछता है, बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक, लेकिन इस प्रोसेस में होता क्या, इन दिस प्रोसेस वी यूज सम केमिकल्स, इन दिस प्रोसेस वी यूज सम केमिकल्स दैट आर फ्रोथ स्टेबलाइजर, that are froth stabilizer, collector, activator and depressants, चार हम केमिकल्स यूज करते हैं, फ्रोथ स्टेबिलाइजर, कलेक्टर, एक्टिवेटर एंड डिपरसेंट्स। ये सभी का क्या क्या काम है वो हम इसके अंदर आपको बताते चलेंगे। ठीक है, थर्ड करते क्या इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर आपको समझाऊं, ये है तुमने क्या किया, ये मेटल है, मेटल ओर, पाउडर्ड ओर है। ठीक है, इसके अंदर प्लस कौन है, गैंग पार्टिकल है, वाटर के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, वाटर लिया है इसके अंदर, प्लस ऑयल लेंगे, पाइन ऑयल मान ले, पाइन ऑयल ले लिया। अब इसके अंदर एक रोटेटिंग पैडल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एक रोटेटिंग पैडल जो रोटेट करेगा, यहां से क्या लगा देंगे, एक रोटेटिंग पैडल लगा देंगे जो इसको रोटेट करेगा। ठीक है, बहुत हाई स्पीड से, और यहाँ पे इसके अंदर एयर का मोशन, बहुत हाई स्पीड का एयर इसमें एंटर करता है, क्या करेंगे, बहुत जैसे ये पूरा मिक्सर डाला हुआ, बहुत तेज स्पीड से इसको हम घुमा देते हैं। ठीक है, और बहुत हाई स्पीड की एयर अंदर जाएगी तो क्या होगा, इसके अंदर झाग बनता है, जैसे वाटर के अंदर डिटर्जेंट डाल देते हैं और उसको हिलाते हैं तो फ्रोथ बन के आ जाता है, सेम यही प्रोसेस इसमें होता है। ऑयल्स डालते हैं, वाटर डालते हैं, और ये आपने जो मिक्सर बनाया पाउडर वो डाल देते हैं, उसको पहले बहुत तेज स्पीड से घुमाते हैं और एयर आएगी तो उसमें झाग बन जाएगा ऊपर, फ्रोथ। दिस फ्रोथ जो है, दिस फ्रोथ कंटेन द मेटल पार्ट, दिस फ्रोथ कंटेन द मेटल पार्ट, ये जो फ्रोथ होगा वो मेटल पार्ट कंटेन करता है। ठीक, तो इसके अंदर क्या क्या होगा, किसका क्या यूज होगा, समझ गए कि रोटेटिंग पैडल यूज होता है, हाई स्पीड ये होता है और इसमें फ्रोथ बन जाता है। ठीक है, अब जब फ्रोथ बनेगा, बहुत मान ले बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में फ्रोथ बने तो आपका मेथड कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, फ्रोथ काफी अच्छे बने, काफी देर तक स्टेबल रहे, तो उसके लिए जो रिएजेंट डालते हैं वो बोलते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर। फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या होता है, स्टेबलाइज द फ्रोथ, थोड़ी देर तक रहेंगे। कलेक्टर का क्या काम होता है, जो आप डालते हो, ठीक है, इसके अंदर जो डाला गया है, आपने मेटल और डाला है और गैंग पार्टिकल डाला है, इसमें एक जो चीज होगी वो आपकी वाटर में सोल्यूबल होगी और दूसरी होगी वो ऑयल में सोल्यूबल होगी, दूसरी क्या होगी, ऑयल में सोल्यूबल होती है। ठीक है, तो जो इसके अंदर बेसिकली जो होता है, ऑयल सोल्यूबल होंगे और कुछ पार्ट होगा जो वाटर सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो वो जो कलेक्टर जो होता है, कलेक्टर बेसिकली क्या करने के काम आता है, जो आपका बन रहा है फ्रोथ उसको कलेक्ट करने का काम आएगी, ज्यादा से ज्यादा फ्रोथ ऊपर की तरफ आए, कलेक्ट करने का काम आता है। एक्टिवेटर क्या होता है और डिपरसेंट्स क्या होता है, ये हम प्रोसेस के थ्रू बताएंगे। सबसे पहले हम इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखेंगे फ्रोथ स्टेबलाइजर, फ्रोथ स्टेबलाइजर का क्या काम है। ठीक, फ्रोथ स्टेबलाइजर, फ्रोथ स्टेबलाइजर, देखिए फ्रोथ स्टेबलाइजर, इट स्टेबलाइज द फ्रोथ फॉर्म्ड इन द प्रोसेस। ठीक, द जर्नली फ्रोथ स्टेबलाइजर आर जर्नली एनिलीन, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एनिलीन है या फिर क्रिसोल्स है, ये क्या होते हैं ये अभी आप नहीं बता पाओगे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, वो है फ्रोथ को स्टेबलाइज करने का काम आते हैं। एक होता है कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर, कलेक्टर का क्या काम है, जो कलेक्टर है तो कलेक्ट करने का काम आएगा, जैसे नाम से पता चल रहा है कलेक्टर। कलेक्टर जनरली यूज कौन सा होता है, जिस पाइन ऑयल हमने डाला था, जो पाइन ऑयल्स है ये, ठीक है, ये काम करते हैं। अब क्या होगा, आपके पास ये मान लिया, ये मेरे पास ओर है, ठीक है,
और ये मेरे पास छोटा छोटा ये इम्प्योरिटी है, इसके अंदर क्या होता है, जो इम्प्योरिटी होती है वो वाटर सोल्यूबल होती है। वाटर क्या होती है? वाटर सोल्यूबल। और ये होता है आपका ऑयल सोल्यूबल। तो हम क्या चाह रहे हैं कि ओर को इससे अलग कर दें। जैसे ही तुमने, और जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था, इसके अंदर आपके पास क्या है, वाटर भी है और आपके पास पाइन ऑयल भी है। वाटर है और इसके अंदर क्या है, पाइन ऑयल है। जैसे ही तुमने इसमें डाला, जो आपका ओर है वो किसकी तरफ जाएगा, वो पाइन ऑयल में डिजोल्व होगा। और ये इम्प्योरिटी किसमें होगी, वाटर में होगी। थोड़ा बहुत ओर वाटर में क्या पता सोल्यूबल हो जाए। देखिए ये चीज तुम देखते होगे, ऑयल को आप वाटर में डाल के देखना, ऑयल का ड्रॉपलेट आपको अलग से दिखाई देगा, इस तरीके से अलग से दिखाई देता है। तो क्या पता थोड़ा बहुत जो ओर है, ऐसा ना हो कि वाटर में सोल्यूबल होने लग जाए। क्या करेंगे, उसका जो नॉन वेटेबिलिटी जो है, वेटेबिलिटी गीला करना, तो नॉन वेटेबिलिटी इनको इंक्रीज करता है कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि वाटर में थोड़ा भी वो डिजोल्व हो जाए। ये जो काम होता है वो कलेक्टर का होता है। तो लिखिए कलेक्टर क्या करता है, कलेक्टर इनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी, इनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी, नॉन वेटेबिलिटी ऑफ ओर पार्टिकल, ऑफ ओर पार्टिकल, ओर पार्टिकल का नॉन वेटेबिलिटी जो है वो बढ़ा देता है। भाई ओर किसके अंदर डिजोल्व होगा, पाइन ऑयल। मान लिया आपने 20 पार्टिकल लिए थे, 15 पार्टिकल ऑयल में चले गए और 5 पार्टिकल यदि वाटर में चले जा रहे, उसमें एक भी पार्टिकल ना जाए वाटर रिपेलेंट बनाने के लिए, वाटर को रिपेल करे, वाटर के पास भी ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं। वो ऑयल ही जो है उसी का नाम, उसी को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। ये होगा ठीक। अब बात यह होती है, कई बार ऐसा हो जाएगा कि आपने जो डाला वो फ्रोथ जो बना रहा है, फ्रोथ नहीं बना रहा है। ठीक है, हमने फ्रोथ स्टेबलाइजर डाल दिया कि फ्रोथ बनेंगे तो वो स्टेबल होंगे। ठीक है, हमने ये भी डाल दिया जो आपका ओर वो पाइन ऑयल में हो उसको कलेक्टर बोलेंगे। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें फ्रोथ नहीं बनता, फ्रोथ की जो टेंडेंसी है बनने की बहुत कम होती है। तो हम क्या डालते हैं, हम ऐसी चीज डालते हैं जो फ्रोथ ज्यादा बनने लग जाए, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटर। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर। तो लिखें, इट इंक्रीज द टेंडेंसी, इट इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ, फ्रोथ को बनाने की जो है टेंडेंसी बढ़ जाती है। जैसे मान लिया जिंक सल्फाइड डाला, वो फ्रोथ बहुत कम बना रहा है, तो अपने पास प्रोसेस नहीं होगा। ठीक, तो भाई प्रोसेस जो हमने किया उसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आपका ओर बन रहा है, जो ओर है, जो फ्रोथ बना रहा है, वो बहुत कम क्वांटिटी में बन रहा है, तो उस फ्रोथ का कोई फायदा नहीं है। तो क्या करें, ज्यादा अच्छी खासी अमाउंट में बने उसके लिए हम एक्टिवेटर डाल देते हैं। एक होता है डिपरसेंट्स, ये एक्टिवेट करता है, वो डिप्रेस करता है। ठीक है, डिपरसेंट्स, जो डिपरसेंट्स होते हैं वो क्या होंगे, देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक, मान लिया आपके पास ZnS है, जिंक सल्फाइड, और इसके अंदर इम्प्योरिटी है PbS की, दोनों ही कैसे होंगे, सल्फाइड होंगे। अब अपने को मान लिया इंडस्ट्री है, और उसका जो इंडस्ट्री है अपने को एक्सट्रैक्ट करना है जिंक मेटल। क्या एक्सट्रैक्ट करना है, जिंक मेटल। तो हम क्या चाहेंगे, जो फ्रोथ आएगा, फ्रोथ में कौन आए, सिर्फ फ्रोथ में जिंक आए, लेकिन अपने पास तो ऐसी कोई दिक्कत, अपने पास तो ऐसा कोई प्रोसेस तो नहीं है, क्योंकि सल्फाइड है, दोनों के दोनों सल्फाइड कहाँ जाएंगे, पाइन ऑयल में, पाइन ऑयल में डिजोल्व होंगे तो फ्रोथ के रूप में ऊपर आ जाएंगे। अब दिक्कत है, ये भी फ्रोथ में आएगा, ये भी आएगा, इसको अलग करने में फिर अलग से खर्च उठाना पड़ेगा। कोई पहले स्टेप में ऐसा प्रोसेस कर दो कि ये आ जाए और ये ना आए, मतलब किसी एक को कुछ ना कहे, दूसरे का जो फ्रोथ मरने की टेंडेंसी उसको रिड्यूस कर दे, डिप्रेस कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपरसेंट्स। क्या बोलेंगे, डिपरसेंट्स। तो लिखें डिपरसेंट्स क्या है, व्हेन ओर कंटेन मोर देन वन सल्फाइड, कंटेन मोर देन वन सल्फाइड, देन टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ, टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ ऑफ अनदर सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड बाय ए केमिकल एंड दिस केमिकल आर कॉल्ड डिपरसेंट्स, दिस केमिकल आर कॉल्ड डिपरसेंट्स। आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बताऊं डिपरसेंट्स का, वो होता है NaCl। क्या होता है, NaCl, NaCl ZnS में डालते हैं, ये रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन। NaCl तुमने डाला PbS में, ठीक, PbS में डालोगे
तो ये आपका रिएक्शन करेगा, ठीक है, और रिएक्शन करके आपको एक सोल्यूबल कंपाउंड दे देगा, ठीक है, तो सोल्यूबल कंपाउंड देगा, एक मिनट ये वापस उल्टा लिख दिया, एक्चुअल में क्या होगा, ये जिंक से रिएक्ट करेगा, NaCl ZnS से रिएक्ट करता है, ठीक है, रिएक्ट कर लेगा और इससे रिएक्ट नहीं करेगा, PbS नो रिएक्शन, तो ये आपका, ये तो आपका सॉल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है, और ये आपका किस में आ जाएगा, फ्रोथ में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ये आपका फ्रोथ में आएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपने PbS को निकाल लिया, ठीक है, PbS को फ्रोथ से निकाल लिया, सारा PbS उसको बाहर फेंक दो, दोबारा प्रोसेस करो जिंक में और जिंक का दोबारा फ्रोथ बना लो, तो आपने क्या किया, सल्फाइड को अलग अलग कर दिया, आपने सल्फाइड को क्या कर दिया, अलग अलग कर लिया, तो ये फायदा है इस प्रोसेस का। तो जब आपके मिक्सर में PbS और ZnS हो, ठीक है, आपको Pb एक्सट्रैक्ट करना हो, तो क्या करोगे, आप इसमें NaCl डाल दो, PbS को कुछ नहीं कहेगा, ZnS को वाटर में सोल्यूबल बना देगा, PbS ऊपर आ जाएगा। यदि आप जिंक निकालना चाह रहे हो तो क्या करोगे, पहले PbS को निकालो, फ्रोथ में आएगा, उस फ्रोथ को बाहर फेंक दो, दोबारा प्रोसेस करो, फिर आपका ZnS आएगा, ठीक है। तो ये एक्टिवेटर, डिपरसेंट्स, कलेक्टर्स एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर किसके लिए यूज करते थे, सल्फाइड ओर के लिए। लिखें नेक्स्ट, इन दिस प्रोसेस metal containing ore part are present in the froth and these froth are dried to get the concentrated ore। जो आपका जो फ्रोथ है उसको बाहर निकाल लीजिए, उसको सुखा लीजिए, उसके अंदर जो है आपका मेटल कंटेनिंग ओर पार्ट आपको मिल जाएगा और गैंग पार्टिकल आपका चला जाएगा। इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है ये कोई साइंटिस्ट ने रिसर्च नहीं किया था, ये बिल्कुल सिंपल एक वोमेन थी, वासर वोमेन, ठीक है, उसने इसको डिस्कवर किया। उसने क्या किया, एक सिंपल जर्नल, जो वो माइंस में काम करते थे तो वहां पे कॉपर की माइंस थी, वहां पे उसने देखा कि जो कपड़ा धोते हैं साबुन के साथ, कॉपर वाला पार्टिकल वो अलग हो जाता है और सेंट पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। तो उसने देखा कि कुछ न कुछ तो है सोप के अंदर कि वो कॉपर को अट्रैक्ट कर, उसने एक केमिस्ट से बात की और उसको एक बात बताया, तो उसने इसको लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल लेवल पे किया। तो देखिए कितना साइंटिफिक टेम्परामेंट था उसका, उसने ये आइडिया लगाया कि जब कपड़े को हम डालते हैं डिटर्जेंट या कोई भी सोप का सॉल्यूशन में, तो हो क्या रहा, कॉपर वाला पार्ट अलग हो जा रहा है और सैंड और जो बाकी डर्ट वो नीचे चला जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने ये दिमाग लगाया, ठीक है, तो जब किसी का भी इंटरेस्ट किसी चीज में हो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, ये इस बात का एग्जांपल है। यह आपको किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च नहीं किया था, इसका जो इनोवेशन है एक वासर वोमेन ने किया था, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। लिखें मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन में आपको फिर बता दूं सबसे ज्यादा काम आता है सल्फाइड ओर के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। मैग्नेटिक सेपरेशन लिखें, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑफ ओर कंपोनेंट। ओर कंपोनेंट मींस ओ मेटल कंटेनिंग ओर एंड गैंग पार्टिकल, उसके बीच में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये कोई मान लिया बेल्ट है, इसके ऊपर हम चला रहे हैं, ये अपना सिस्टम है, इसको मान लेते हैं, बना देते हैं मैग्नेटिक व्हील, कैसा मैग्नेटिक, और ये आपका नॉन मैग्नेटिक, ठीक है, ये बेल्ट है, ये इसके ऊपर हम ओर पार्टिकल डाल रहे हैं, ठीक है, ये बेल्ट है, अच्छी खासी लंबी चौड़ी होती है, इसके अंदर हम पाउडर्ड ओर या कर्स्ड ओर जो भी है नाला, और बेल्ट मान लिया ऐसे घूम रही, तो इस तरीके से पूरा मिक्स, इसमें गैंग पार्टिकल और ओर दोनों थे, चलते जाएंगे, ठीक, ऐसे गिरेगा, जो सीधा जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो तो यहां आ जाएगा, नॉन मैग्नेटिक पार्ट, और जो मैग्नेटिक होगा वो इसके साथ चिपका रहेगा बेल्ट के साथ, और कहां गिरेगा, यहां जाके गिरेगा, यहां पे आपका मैग्नेटिक आ जाएगा। तो नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक को अलग कर देते हैं, ठीक है। आयरन के ओर के लिए ज्यादातर ये यूज करते हैं, जानते हो गए आयरन के अंदर क्या होता है, आयरन के अंदर अपने पास जो हिमेटाइट या मैग्नेटाइट ओर है वो क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उनकी जो इम्प्योरिटी होती है वो नॉन मैग्नेटिक होती है। कई बार ऐसा भी होता है
एक ही ओर के लिए दो दो तीन तीन कंसेंट्रेशन के आपको मेथड लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है लिचिंग, ठीक है लिचिंग लिखे नेक्स्ट लिचिंग। और फोर्थ कंसेंट्रेशन मेथड आ गया आपका, लास्ट आ गया कंसेंट्रेशन का लिचिंग। फर्स्ट पॉइंट, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सोलिबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटी एंड मेटल कंटेनिंग ओर इन ए स्पेसिफिक सोलवेंट। एक सोलवेंट के अंदर कोई भी सोलवेंट मैं लूंगा, कोई एसिड या बेस, उसके अंदर मैं पूरे मिक्सर को डाल दूंगा। ऐसा हो सकता है कि इम्प्योरिटी सोल्यूबल हो और आपका ओर वाला पार्ट नॉन सोल्यूबल हो, इस तरीके का मेथड यूज होगा। या फिर एक सोल्यूबल है दूसरा नॉन सोल्यूबल, उसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो ये मेथड है वो लगाया जाता है बॉक्साइट के लिए। नेक्स्ट लिखें, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर बॉक्साइट, मतलब एल्यूमिनियम और सिल्वर, और सिल्वर के लिए लगाते हैं सिल्वर और गोल्ड, और इनके लिए इसको मेथड को हम लगाते हैं। हम जैसे करते हैं बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट तो जानते ही होंगे Al2O3 है। बॉक्साइट खुद दो टाइप का होता है, एक होता है रेड बॉक्साइट और एक होता है आपका व्हाइट बॉक्साइट। दो टाइप का बॉक्साइट होता है, रेड बॉक्साइट एंड व्हाइट बॉक्साइट। बॉक्साइट के अंदर इम्प्योरिटी क्या है, बॉक्साइट में क्या होता है, एक तो होता है Al2O3 तो होगा ही, ठीक है। इसके अंदर इम्प्योरिटी होती है आयरन की, जो इसमें जो मेजर इम्प्योरिटी की बात करूँ, आयरन ऑक्साइड होता है। इसके अंदर SiO2 होता है, जानते हो कि सेंट पार्टिकल को बोलते हैं SiO2। और इसके अंदर एक टाइटेनियम ऑक्साइड होता है TiO2। एक्चुअल में इसमें Fe2O3 होता है, फेरिक होता है। ये अब इम्प्योरिटी कौन सा मेजर है उसके बेस पे होता है, ठीक है। आयरन किस टाइप का होता है, ये रेड कलर का होता है, जानते होगे आयरन तो, और ये SI, ठीक है, सेंट पार्टिकल है। रेड बॉक्साइट यदि Fe2O3 इज मेजर इंप्योरिटी, यदि आपका Fe2O3 मेजर है तो हम क्या बोलेंगे, रेड बॉक्साइट। और यदि सेंट पार्टिकल SiO2 ज्यादा इंप्योरिटी में है, SiO2 यदि मेजर है तो हम उसको बोलते हैं व्हाइट बॉक्साइट। दो टाइप का बॉक्साइट होता है, रेड बॉक्साइट एंड व्हाइट। पूछा जा सकता है बॉक्साइट में किस किस चीज की इंप्योरिटी होती है, बॉक्साइट में ये मेजर इंप्योरिटी है तीनों में ला के। सबसे ज्यादा कौन सा, ज्यादा जो होगा वही आप बॉक्साइट का टाइप बताएगा। यदि आपका Fe2O3 ज्यादा है तो क्या होगा, रेड बॉक्साइट, और यदि SiO2 ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, व्हाइट बॉक्साइट। दोनों के लिए मेथड भी अलग अलग है, ठीक। इसके लिए जो मेथड यूज करते हैं रेड बॉक्साइट के लिए, उसको बोलते हैं बेयर प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको, बेयर्स प्रोसेस, ठीक। और जो हम व्हाइट बॉक्साइट के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं सरपैक मेथड। क्या बोलेंगे, सरपैक मेथड या सरपैक प्रोसेस, दो साइंटिस्ट के नेम पे है। तो रेड बॉक्साइट के लिए अलग यूज करते हैं, बेयर्स प्रोसेस थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेयर्स प्रोसेस क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है सरपैक के बजाय। और बेयर्स आपसे पूछा जा सकता है बेयर्स प्रोसेस कब लगाओगे, कौन मेजर इंप्योरिटी हो, Fe2O3 मेजर इंप्योरिटी है तो आप बेयर्स प्रोसेस लगाओगे, SiO2 यदि मेजर इंप्योरिटी है तो आप सरपैक प्रोसेस लगाओगे, ये है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं इसी के अंदर कि भाई बेयर प्रोसेस है क्या, बेयर प्रोसेस के अंदर, ठीक है। बेयर प्रोसेस में आपके पास एक तो Al2O3 DOTEX H2O होगा, आपके पास Fe2O3 SiO2 एंड TiO2, ये तो बहुत माइनर क्वांटिटी में रहता है। और मेजर क्वांटिटी में कौन रहेगा भाई, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ये रहेगा। बेयर ने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, बहुत ही सिंपल मेथड यूज किया उसने, देखा Al2O3, पिछले हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं Al2O3 कैसा है ऑक्साइड है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। Al2O3 कैसा ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो उसने बोला कि पहले इसको बेस में डाल लीजिए, किस में डाल दे, बेस में डिजोल्व होगा, हो सकता कुछ इंप्योरिटी हट जाए, ठीक है।
फिर इसको हम एसिड में डाल देंगे, वापस वही प्रोसेस आ जाएगा। तो ये एसिड में भी डिजोल्व होता है और बेस में भी डिजोल्व होता है, ये प्रोसेस उसने यूज किया। तो सबसे पहला स्टेप उसने क्या किया, स्टेप वन, Al2O3 सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, NaOH में डाल दिया, NaOH प्लस H2O, 1, 2, 3 से कोफिशिएंट भी याद करते हैं, 1, 2, 3, ठीक। इसने बनाया सोडियम एल्यूमिनेट AlOH4, कैसा बना देगा, एक्वस, सोल्युबल होता है ये तो। अब ये जो होता है एसिडिक होता है, याद होगा कार्बन का भी एसिडिक होता है, CO2 एसिडिक गैस है, कार्बन से नीचे होता है सिलिकॉन, ये भी एसिडिक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो Fe2O3 है, Fe2O3 एंड TiO2 बोथ आर इनसोल्युबल, सोलिड है दोनों, बोथ आर इनसोल्युबल, कैसे होंगे, इनसोल्युबल होंगे, ठीक है। अब आपके पास इस टाइप का चीज बन गया, जो आपका मिक्सर है, एक तो आपका सोल्युबल पार्ट है और एक इनसोल्युबल पार्ट। ये इनसोल्युबल पार्ट में कौन कौन आएगा, Fe2O3 प्लस TiO2 आपने निकाल दिया, लेकिन अब भी एक इंप्यूरिटी तो रहेगी, कौन, SiO2, कौन सी इंप्यूरिटी रहेगी, SiO2। अब क्या करें भाई, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, इस एक्वस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करेंगे आपका, ये तो फिल्टर के ऊपर आ जाएगा रेजिड्यू और वो आपका फिल्ट्रेट सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। स्टेप टू क्या यूज किया, स्टेप टू के अंदर समझ रहे होगे नहीं कि भाई कोई भी चीज है आपको अलग अलग दिखाई दे, फिल्टर कर लो, सबसे सिंपल बात है। तो क्या कॉन्सेप्ट यूज किया उसने, कि Al2O3 एम्फोटेरिक है। अब इसने यहां से इसके अंदर से AlOH4 एक्वस था, इसके अंदर से CO2 गैस पास करा दी। CO2 गैस कैसी होती है, एसिडिक, और ये तो एसिड और बेस दोनों में डिजोल्व होता, ये आपका बन जाएगा Al2O3.XH2.XH2, ठीक, प्लस NaHCO3 जो अपने कोई काम का नहीं है। यहां से तुम देखोगे ये आपका सॉलिड पार्ट बन जाएगा, और जो SiO2 है, SiO2 रिमेन इन द सॉल्यूशन, SiO2 भी नहीं है एक्चुअल में, SiO2 का भी जो मिक्सर बनेगा, यहाँ पे ऊपर आप रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, किसी का मन करे मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, NaOH की SiO2 से कैसी रिएक्शन होगी, ये आपकी रिएक्शन ऐसी होगी Na2SiO3, तो Na2SiO3 इज सोल्यूबल, ये आपका सोल्यूशन में आ गया, और इस बार ये आपका सोलिड पार्ट आ गया। फिर फिल्टर कर लो, फिल्टर करोगे सोलिड ऊपर बच जाएगा, ये आपका एक्वस है, ये नीचे जाएगा और ये आपका एक्वस में चला जाएगा, क्या बच गया आपके पास, सोलिड पार्ट आ गया। क्या करो, इसको हीट कर दो, ठीक, Al2O3.XH2.XH2 क्या बन जाएगा, हीट करोगे Al2O3 अलग निकलाएगा, XH2O H2 ये आपका बाहर आ जाएगा। तो ये तो देखिए Al2O3 में जितनी इंप्योरिटी थी आपने सब निकाल दी। क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, सिंपल, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया हमने, क्या Al2O3 इज एंडोटेरिक, सोल्युबल इन बेस एज वेल एज एसिड, मेजर इंप्योरिटी Fe2O3 और TiO2 थी, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इनसोल्युबल हो जाएंगे, सोल्यूशन बनेगा और इनसोल्युबल पार्ट इनसोल्युबल को फेंक दोगे। सोल्युबल में दिक्कत है, ये आपका सोडियम सिलिकेट आ गया, दोबारा CO2 गैस करो, ये तो प्रेसिपिटेट बना लेगा अपना, वापिस सोलिड में आ जाएगा। क्या करोगे भाई, यहाँ पे आप ये डालोगे, इधर आ जाएगा, बेस डाला इसमें कन्वर्ट होगा, एसिड डालोगे तो वापस इसी में आ जाएगा, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन, जानते हो जो दो एरो वाली रिएक्शन होती। अब ये आ गया, इसको सॉलिड पार्ट को अलग कर लिया और उसको हीट कर दिया, ये तो बेयर्स प्रोसेस था, समझ में आ गया। बेयर्स प्रोसेस में क्वेश्चन पूछा जाता, पहला क्वेश्चन, बेयर प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं, कौन सी इंप्योरिटी मेजर हो, Fe2O3 रेड ऑक्साइड, और कौन कौन सी इंप्योरिटी होती है, ये आपको बेयर प्रोसेस में कौन सा केमिकल्स यूज किया जाता है, NaOH यूज करते हैं और CO2 यूज करते हैं, CO2 तो गैस के रूप में यूज किया गया, ठीक, ये था आपका बेयर प्रोसेस। अब हम बात करें सरपैक प्रोसेस की, किसकी बात करें, सरपैक प्रोसेस, सरपैक प्रोसेस कैसा, सरपैक प्रोसेस कब यूज किया जाता है, ठीक, सरपैक प्रोसेस यूज करते हैं जब आपका Al2O3 तो है ही, .XH2 ऑक्साइड तो होगा ही, Fe2O3 भी होगा, SiO2 भी होगा और आपका TiO2 भी होगा, मेजर इंप्योरिटी इस बार कौन होगा, मेजर इंप्योरिटी आपका SiO2 होगा। देखो S से सफेद बन गया, S से SiO2, ये भी S, और किसके लिए लगता है, सफेद बॉक्साइड, सफेद मतलब व्हाइट, ये याद करोगे आप, SiO2 के लिए सरपैक लगेगा और व्हाइट बॉक्साइड बोलते हैं, ठीक है। करते क्या है, इसको डिटेल में अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपका प्रोसेस होता है Al2O3.XH2O, इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे N2 के साथ हीट करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे, ठीक है।
बाकी चीज को वेपराइज करा देते हैं और ये आपका कंपाउंड बन जाता है ALN, ठीक है। ALN को फिर वाटर डाल देते हैं, ये आपका बन जाता है ALOH3 और उसको हीट किया तो ये आपका Al2O3। इसके रिएक्शन को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। सब पैक में सिर्फ ये पता हो मेजर इंप्योरिटी क्या होती है, बस ये ज्यादा से ज्यादा आप जानना चाहते हो तो 12th लेवल तक भी आपको जरूरत नहीं है सब पैक में इससे ज्यादा पढ़ने। ठीक, समझ में आ गया होगा किस तरीके से निकाला है, कौन सा केमिकल हमने यूज किया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रोसेस हम जो पढ़ रहे हैं सिल्वर के लिए और गोल्ड के लिए पढ़ रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड मेथड। देखिए मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड मेथड, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड मेथड किसके लिए यूज करते हैं, दोनों के लिए यूज होता है भाई, चाहे सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, दोनों के लिए। सिल्वर और गोल्ड कोई सल्फाइड ऑक्साइड हैलाइड के फॉर्म में नहीं मिलते हैं, ये इतने नॉन रिएक्टिव हैं, आपने देखा भी होगा ये किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको फ्री स्टेट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं इनके अंदर भाई, आपने डाला मेटल को, मेटल में दोनों के लिए अलग अलग ना लिखने पड़े, इसलिए मैंने क्या यूज कर लिया, एम यूज कर लिया। आपने NaCN डाल दिया, साइनाइड डालोगे नाम से पता चल रहा है, ठीक है। साथ में वाटर डाल दिया और वाटर डालने के साथ साथ तुमने गैस डाली O2, वो O2 किस लिए डाली है, O2 इसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए डाली है बेसिकली, ठीक है। कैसे होगा अभी देखते हैं इसके अंदर। इसमें O2 किस लिए यूज किया गया है, O2 भाई ये अपने पास जो मेटल है इसमें कोई इम्प्योरिटी रही होगी, क्या करो इस मेटल को एक बार कोई ऐसी सोल्यूबल चीज में बदल लो, इम्प्योरिटी नहीं बदल पाएगी, तो क्या करोगे फिल्टर कर लोगे, इनसोल्यूबल को फेंक दोगे सोल्यूबल पार, लास्ट में उस सोल्यूशन से उसको वापस मेटल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो O2
यहाँ पे जो काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और इस मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी गैस यूज की जाती है, बैलेंस रिएक्शन आपको करनी है तो ये जरूरत नहीं है, बैलेंस तुमसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। ये तो यहाँ से देखोगे आपका जो बन जाएगा 4Na इंटू जो भी मेटल ली है MCN2, ये प्लस साथ में OH, NaOH एक्वस है, ये भी एक्वस हो जाएगा और ये भी आएगी। इंप्योरिटी क्या रहेगी, इनसोल्युबल, इंप्योरिटी को फिल्टर कर लो बाहर फेंक दो। अब दिक्कत ये आएगी, आपने लिया था मेटल और अब आपका मेटल है किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। ये किसका काम करे, रिड्यूसिंग एजेंट, अपने आप को ऑक्सीडाइज। तो कोई भी एक ऐसा मेटल डाल दो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा दो, मोर एक्टिव मेटल डाल दो, मोर एक्टिव मेटल डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। वो किसमें ऑक्सीडाइज होगा वो आपको जरूरत नहीं है अभी इस लेवल पे, बस ऑक्सीडाइज हो जाएगा और अपने आप को क्या कर लेगा, ये मेटल यहाँ पे आ जाएगा आपका सॉलिड, ठीक है। ये जो था ये आपका इम्प्योर था, मतलब इसके अंदर इम्प्योरिटी थी और ये प्योर है, इम्प्योरिटी नहीं है। ये डिफरेंस क्या किया, पहले उसको किसी एक्वस सॉल्यूशन में इनसोल्युबल को निकाल दिया, फिर कुछ सोल्युबल पार्ट होगा तो दोबारा उसको इनसोल्युबल में बदल दिया। यहाँ जिंक क्या कर रहा है, अपने आपको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो क्या वो कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या कॉन्सेप्ट यूज किया देखिए। पहला क्वेश्चन क्या आता है, ये मेथड किसके लिए यूज करते हैं, सिल्वर और गोल्ड के लिए। कौन सी गैस यूज करते हैं, O2 गैस क्या किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें जिंक किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इससे ज्यादा इस पर कोई क्वेश्चन बनता नहीं। तो ये था आपका टोटल मिला के 4 प्रोसेस थे, चारों को एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करा दूं। एक था हाइड्रोलिक वॉशिंग, एक था फ्रोथ फ्लोटेशन, एक था मैग्नेटिक सेपरेशन और एक था लीचिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग डिफरेंस इन डेंसिटी, फ्रोथ फ्लोटेशन ओनली फॉर सल्फाइड, ठीक, और मैग्नेटिक सेपरेशन डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड लीचिंग डिफरेंस इन सोलिबिलिटी इन डिफरेंट सॉल्वेंट। क्या करते हैं लीचिंग में, किसी सॉल्वेंट में डाल देते हैं, किसी केमिकल में डाल देते हैं तो इनसोल्युबल और सोल्युबल को अलग कर लेते हैं। यदि दो टाइप के सोल्युबल आ गए तो दोबारा से उसको सोलिड में बदल देते हैं तो वहां से आपका सोल्युबल पार्ट अलग हो जाता है। सिल्वर के हमने यूज किया था बॉक्साइट के अंदर, दो टाइप का बॉक्साइट था, रेड बॉक्साइट और व्हाइट बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट Fe2O3 इज द मेजर इंप्योरिटी, व्हाइट बॉक्साइट Si2 इज द मेजर इंप्योरिटी। क्या किया था, सरपैक मेथड में N2 गैस यूज किया था, वहां पे NaOH और CO2 यूज किया था। इसके अंदर आपने NaCN यूज किया, नाम से पता चल रहा साइनाइड लिखा हुआ, साइनाइड ये सोडियम साइनाइड है। O2 गैस क्या इसका O2 गैस का क्या काम है ये आपने देख लिया होगा। तो ये था आपका कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। यदि ओर आपने कंसेंट्रेटेड कर लिया है, ओर कंसेंट्रेटेड कर लिया, तुम देखोगे ओर को हम वाटर वगैरह से किसी सॉल्यूशन से निकाल के लेके आए, उसके साथ वाटर भी चिपका होगा, कुछ मॉइस्चराइजर पार्ट भी होगा, तो क्या करोगे, ये जो कंसेंट्रेटेड ओर है इसको आपको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। हो सकता है किसी भी फॉर्म में हो, आपको सल्फाइड हो सकता है, हाइड्रोक्साइड हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो, तो आपको उसको मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लिखे कन्वर्जन ऑफ कंसेंट्रेटेड ओर इंटू मेटल ऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ कंसेंट्रेटेड ओर इंटू मेटल ऑक्साइड। दो मेथड आपके पास होते हैं, एक होता है रोस्टिंग। क्या होता है रोस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखें। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। ये सल्फाइड ओर के लिए लगता है, इसका मतलब ये किस पे लगेगा, जिसकी कंसेंट्रेशन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से हुई है उसके अंदर लगेगा रोस्टिंग। इसके अंदर होता क्या, लिखे इन दिस प्रोसेस कंसेंट्रेटेड ओर इज हीटेड इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से कम पे आप उसको हीट कर दो ऑक्सीजन के साथ, ZnS विद O2 के साथ हीट किया, क्या बन जाएगा आपका ZnO plus SO2। और यदि तुमने ज्यादा ऑक्सीजन ले लिया, बहुत ज्यादा सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई ले, लिमिटेड में ही करते हैं वैसे इसको, ज्यादा अनलिमिटेड कर दिया तो ZnSO4 भी बन सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक लिमिटेशन ये होती है, इसमें गैस निकलती है SO2, और SO2 गैस जो होती है इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं होती, ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसिडिक गैस होती है ये है। तो किसके लिए लगेगा, सल्फाइड ओर के लिए लगेगा, ठीक है। मॉइस्चराइज वगैरह जो भी होगा, वाटर मॉलिक्यूल चिपका हुआ सब दूर कर देगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हीट किया है। ऑक्सीजन के साथ जो हीट करते हैं उसको हम कंबस्टन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है।
चैप्टर फर्स्ट था उसमें मैंने बैलेंस करना भी सिखाया था हाइड्रोकार्बन का कंबेशन। बहुत ज्यादा ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट निकलती है। तो लिखें रोस्टिंग इज एक्जोथर्मिक प्रोसेस, रोस्टिंग इज एक्जोथर्मिक प्रोसेस। क्वेश्चन क्या आएगा, रोस्टिंग किसके लिए लगाते हैं, कौन सी गैस निकलती है, और लिमिटेड और अनलिमिटेड में क्या क्या फर्क होगा, एक्जोथर्मिक या एंडोथर्मिक। बी दैट इज कैल्सिनेशन, भाई सल्फाइड के लिए तो वो लग गया, बाकी के लिए क्या लगेगा, कैल्सिनेशन लगेगा। क्या लगेगा, कैल्सिनेशन। अब क्या होता है, जैसे कार्बोनेट और मान लिया गया ZnCO3, आप क्या करोगे, हीट कर दोगे, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो लिखे कैल्सिनेशन में, इन दिस प्रोसेस कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, ये प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसमें ऑक्सीजन होगा किसमें नहीं होगा। इसमें हीट करते हैं तो आपका ZnO प्लस CO2 गैस निकल जाएगा। मान लिया आपके पास CuOH2, ठीक है, CuCO3 डॉट CuOH2 को हीट किया हुआ है, ये आपका क्या बन जाएगा, CO2O प्लस H2O प्लस CO2 गैस, ठीक है। मान लिया पिछले प्रोसेस में Ag निकाला था, Ag को हीट कर दो, ठीक है, Ag ही बन जाएगा। फिर ये हीट क्यों कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल वगैरह तो चिपके होंगे इसके साथ, वाटर वगैरह तो होगा, तो जो भी होगा H2O गैस के रूप में निकल जाएगा। बहुत ज्यादा हीट में, बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो इसमें क्या, कौन सी गैस निकलती है, इसमें CO2 निकलता है या वाटर वेपर निकलते हैं, ये होगा। जब भी हम किसी भी ओर को चाहे रोस्टिंग से करें या कैल्सिनेशन से ऑक्साइड में कन्वर्ट करें, होता क्या है, जो आपका सरफेस होता है ओर का, वो थोड़ा पोर्स स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पोर्स हो जाता है, और पोर्स स्ट्रक्चर बहुत काम आएगा अपने आगे, क्योंकि उसको अपने को कन्वर्ट करना है मेटल में। मेटल ऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट करना है, मेटल में। जैसे जिंक ऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट करना है, जिंक में। मतलब क्या करना है, इसका ऑक्सीजन हटा देना है, मतलब इसका रिडक्शन करना अपने को नेक्स्ट स्टेप में, कन्वर्जन इनटू मेटल में। तो पोर्स स्ट्रक्चर को, पोर्स जो सरफेस है उसका रिडक्शन करना बहुत ज्यादा आसान होता है, रिडक्शन करना क्या होता है, आसान होता है। तो लिखे ड्यू टू रोस्टिंग और कैल्सिनेशन स्ट्रक्चर बिकॉम पोर्स दैट आर स्ट्रक्चर बिकॉम पोर्स एंड पोर स्ट्रक्चर इज हेल्पफुल इन रिडक्शन ऑफ ओर इनटू मेटल, ओर को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये इनके फायदे थे, कौन से मेथड कहाँ लगेगा ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट मेथड है, क्या करना है, कन्वर्ट करना है अपने को किसको, सिंपल अपने को मेटल ऑक्साइड मिलेगा। सेकेंड स्टेप आप वो नहीं कर सकते, स्किप नहीं करोगे, आप ऑक्साइड में ही कन्वर्ट करोगे, सल्फाइड है, कार्बोनेट है, हैलाइड है, ऑक्साइड है, ऑलरेडी ऑक्साइड है तो भी आप ऑक्साइड में ही करोगे। कई बार आ जाता कि जिंक ऑक्साइड है, तो कोई बात नहीं, जिंक ऑक्साइड है तो भी आप इसका कैल्सिनेशन करोगे ZnO, क्या फायदा रहेगा, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तो स्ट्रक्चर पोर्स हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम में हेल्प मिलेगी। दूसरा, वाटर मॉलिक्यूल वगैरह कुछ गैसेज वगैरह चिपकी होंगी तो वो वेपराइज हो जाएंगे, इसलिए करते हैं। अब है कन्वर्जन। अब तुम देखो एक बहुत सिंपल चीज इसके अंदर पढ़ते हैं कि कोई भी मेटल का ऑक्साइड होगा, मेटल क्या होते हैं, मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एंड ऑक्सीजन आर इलेक्ट्रो नेगेटिव, जो भी इसका फॉर्मूला हो, तुम देखोगे इसके ऊपर जो होगा प्लस, मान लिया M2OX है, कोई भी फॉर्मूला रहा, कैसे बनाया मैंने फॉर्मूला, एम के ऊपर मान लेता हूँ प्लस एक्स चार्ज है, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है ऑक्साइड में, 2 नेगेटिव होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9th क्लास का टॉपिक है, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, M2OX बन गया। अब अपने को क्या करना है, ये प्लस एक्स में है, इसको आपको मेटल में कन्वर्ट करना है, मतलब इसका रिडक्शन करना है, साथ में कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट लोगे, क्या लोगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ये M में बदल जाएगा, साथ में कोई ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। तो अपने को बेसिकली क्या करना है, प्रोडक्ट अपने को रिड्यूसिंग एजेंट सिलेक्ट करना है, ठीक। नेक्स्ट लिखे हैं कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड ओर इनटू मेटल, कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड ओर इनटू मेटल, लिखें द ऑक्साइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू मेटल बाय ए स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट, बाय ए स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब इसको भी कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो होता है हीट करते हैं, थर्मोडायनामिक्स
पायरोमेटलर्जी बोलते हैं, पायरो का मतलब होता है हीट, एक हाइड्रोमेटलर्जी होता है, हाइड्रोमेटलर्जी होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में इसको अपने को रिड्यूस करना है, तो एक्वस सॉल्यूशन में तो रिड्यूस करना है, इसका मतलब आएगा हाइड्रोमेटलर्जी, तो वो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो देखिए मेटल ऑक्साइड कैन बी कन्वर्टेड इंटू मेटल बाई टू डिफरेंट मेथड्स दैट आर पायरोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी और हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी और हाइड्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी और हाइड्रोमेटलर्जी। इसमें सिर्फ लेस रिएक्टिव मेटल ही आप निकाल पाओगे, क्योंकि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को निकाल देते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल के लिए एप्लीकेबल है एक्वस सॉल्यूशन में। इसमें हाई टेम्परेचर आपको चाहिए होता है, क्या चाहिएगा, हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर है उसके ऊपर आप इसको रिड्यूस करते हैं स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट से। इसके अंदर आप मोर रिएक्टिव मेटल डाल दोगे, बस इसके अंदर जो मेटल निकलेगी वो ऐसा ना हो एक्वस सॉल्यूशन में है तो वो वाटर से रिएक्ट करके कोई दूसरा कंपाउंड ना बना ले, तो बार बार अपने को प्रोसेस ना करना पड़े। तो दोनों के कुछ फायदे हैं, दोनों के कुछ मतलब लिमिटेशंस हैं, कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ हम पढ़ेंगे किस तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट को सिलेक्ट किया जाए। सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट पॉसिबल है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ तक आप पढ़ें कंसंट्रेशन से लेके रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन तक।